खम्मा गड़ी भाइयों को। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और कल जॉब पे गया नहीं था क्योंकि लेट हो गया था और छोटा भी बोल रहा था कि यार अब नहीं जाऊँगा, थोड़ा थक गया मैं, तो कल चलेंगे। तो मैं एक दिन की ऑफ कर लिया छुट्टी, और उसके यानी ज़्यादा अर्जेंट काम भी नहीं था, तो जो ठेकेदार था उसने भी बोला था कि इतना ज़रूरी है नहीं आना, अगर तुम आओ तो देख लो वरना ऐसे ज़रूरी है नहीं, तुम्हारे साथ तक हाफ डे भी करते इसलिए, क्योंकि खुले में जाते हैं वो, जब काम होता तो बुला लेते, नहीं तो नहीं बुलाते। तो उन्होंने एक तरह से ये इंतजार था कि हमने छुट्टी कर ली। और तो अभी मेरी बहन जा रही है अपने ससुराल एक दिन के लिए, वहाँ पे स्वामिनी है, तो स्वामिनी अटेंड करके आई, राति जो जागरण है, स्वामिनी नहीं है, जागरण है, तो राति जगह है और बाद में अगले दिन प्रसाद ही है। तो आज जा रही है, फिर कल वापस आ जाएगी मेरी बहन। तो देखो तैयार हो गए, निकलने के लिए तैयार हो गए, मेरी बहन नहीं आई मगर मेरा भांजा भांजी ना लिए। ये देखो सोना भाई सर रेडी है ना, तो के बस यानी ये फ्रॉक खोल के जाएगी, दूसरी पहन के जाएगी। नानी सा दवाई ली अभी, नानी सा अपनी देखो दवाइयों की थैली बोरी, और कितनी सारी दवाइयाँ हैं मामा। और मेरी बहन रो रही है क्योंकि इतान बनाने मारा, इतान बनाने आँख पे मार दी मेरी बहन के। हटो सोना भाई सा, कौन रो रही है तो ये क्यों इतान बना, मम्मी रो रही है देखो आपने मारा। नाक में मार दिया, चलो गए खाना खाने। दोस्तों भी आया मामा, यहाँ बेटा है और यहाँ नानी, यहाँ मेरी मम्मा, यहाँ नानी बेटी है और यहाँ खुला चल रहा है, सब लोग बैठे हैं। और यह मेरा भाई नगर फूंगा बेटा है, आज हम गाँव जाने वाले हैं। तो मामा अभी रेडी हो गया है, कैमरा तो सही से पकड़ बन पा रही, अभी रेडी हो गया है। आप नहीं, आप बहुत बदमाश हो। आप ये हमारा किचन है और ये हमारा क्या क्या बनाते हैं हम, तो बता दे मैडम। यहाँ हमारा रूम है, यहाँ मेरे मम्मा की स्कूटी खड़ी है, और इधर कोई हमारे अच्छे से बोलो क्यों नहीं बनाने दिया, बहन ही है लो आओ तो गोदी आओ, गोदी आओ, ऐसा ऐसा करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो हाय। तो गाइस अभी मेरी बहन तैयार हुई है काफी टाइम बाद में, और अभी ये रवाना हो रही है, निकल रही है। और देखो बैग पैक कर लिया इसने, और मेरी सोना भाई साहब भी तैयार हो गई, और इतान बना रेडियो के और बाहर तलवार तलवार खेल रहे, ये इस तरीके से तैयार हुए, अच्छे लग रहे। ये तो तलवार बन रही है, दिखाओ काई हुए हो संडा जी, ठीक कर रही है ना। वो ये जिन काम आओ ना बीजु कराना चाहिए, काते फालतू में मिस्त्री बन रहा है। चुप चुप, और गाइस बरसात आ रही है, मेरी बहन नहीं जा पा रही, देखो पूरा काले काले बादल और के, और मीनू भाई साहब को जाना जरूरी है, किया जाओला भाई साहब अब किया जाओला। चांदना क्या बोल रहे हो, सी लग रहा है, अब नाले नाले सुनो भाई साहब नाले नहीं, अब कैसे जाओगे, बारिश आ गई तो बारिश आ रही है, अब क्या जाओली तू भाई, देखो बारिश हो रही है अच्छे से, और अच्छी बात है बारिश हो रही है क्योंकि डांस कर रहे तांजना, डांस करके दिखाओ, टेंगे टेंगे पे करके दिखाओ, टेंगे टेंगे क्या बोल रहे हो। और मेरी बहन जा रही है अब, देखो तैयार हुई है ये, मकर कल वापस आ जाएगी, और ये ठंडी ठंडी हवा अच्छा लग रहा है वैसे तो, और अभी भी बारिश तो हो रही है, बादल गरज रहे, बारिश हो सकती है कभी भी। मीनू साहब, मीनू भाई साहब, बारिश हो सके, काते जा रहे हो ते मन गीला करावला यार, और कहीं नहीं चलो तुम्हारे सास में भीगते भीगते जाओ ना जखोर। तो ठीक है गाइस, अभी छोड़ के आता हूं मैं अपनी बहन को, चलो भाई साहब। गाइस गली का नुक्कड़ ही पार किए थे, इतनी तेज बारिश आई और वापस आगे मैं गीला हो गया, यहाँ से साइड हो गया, यहाँ से कब्जों से मेरी बहन हल्की हल्की गीली हो गई, लेकिन वापस आगे नुक्कड़ ही पार किए थे। ये देखो गाइस कितनी तेज बारिश आ रही है।
अब तो गंजा पो हुआ भाई साहब, ये तो कोई कितनी तेज बारी बारी है। आ जाओ नहाते नहाए क्या सोना भाई साहब, नहाए क्या नहाए, ये तो नहीं नारे मैं तो नहाऊंगा। तो गाइस अभी छोड़ के आ गया हूँ मैं मेरी बहन को, और अब घर सुना सुना लग रहा है बिना इतांस बना के और बिना सोना भाई साहब के। नानी साहब भी बाहर बैठी है चुपचाप, ये देखो गाइस नानी साहब भी उदास बैठी है। मन को लाग रहे हो ना डाबरा के बिना है, लाग रहे काई सुनो गोन तो इतांस बना किया है कत्ती बदमाशी करो, मगर बागे सु छेल पेल रहे वे बदमाशी करे रे या कुछ मत करे तो मन लाग रहे। अब उदास हो गो पूरा माहौल, ये देखो गाइस पूरा सोना सोना लग रहा है कुछ ऐसे ही खाली खाली सा घर। अब इतान बना रहे तो बदमाशी करते थे, कभी उधर घर में रहेंगे कभी इधर रहेंगे कभी इधर करेंगे कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे, उनसे चेल पेल रहती थी। अब सुना सुना हो गया, आ जाएंगे वैसे कल आ जाएंगे वो, लेकिन फिर भी। और गाइस आप कमेंट नहीं करो, कमेंट करके बताना कि आपके जो बच्चे वगैरह हैं आपके भांजा भांजी आपके बहन भाई गांव चले जाते हैं कहीं दूर चले जाते हो तो ऐसा सुना सुना आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, तो कमेंट करके बताना। और आप कमेंट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे, पहले जब वीडियो काफ़ी आ रही थी लगातार, अभी बीच में मैं गांव चला गया था तो वीडियो नहीं डाल पाया, उससे पहले तो कमेंट करते थे, अब कमेंट करना बिल्कुल ही बंद कर दिए। तो कमेंट करो यार, कमेंट करो कुछ भी करो, कमेंट तो करो प्लीज़। और तो अभी देखो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 8:10, और अभी मैं नानीसा के साथ एक मजाक किया यानी प्रैंक किया। जो दीपक था छोटा वो सब्जी लेके आया था पालक की, पालक लेके आया था और उसमें मिर्च और धनिया लेके आया था फ्री में। तो मैं नानीसा को बोला नानीसा मैं लेके आया हूँ सब्जी तो आप चेक करो कैसी है। तो नानीसा ने पन्नी ली और खुली नहीं गाट है ना, तो नानीसा ने फाड़ दी पूरी पन्नी और बोल रही है इसमें तो बदबू आ रही है, और वो जेट पीछे देख रहा हूँ ना अब लेके कैसे जाऊंगा, वो ऐसे हाथ में लेके गया। तो ये छोटा सा मजाक किया था हमने नानीसा के साथ। तो नानीसा कैसा लगा आपको मजाक? उसका मुंह ही देखने वाला था, इतना सा मुंह गया, बोले यार अब कैसे लेके जाऊंगा इसको। नानीसा तो आके डाके खाती नानीसा, नानीसा बोलती है ना ये यानी वो गंदी नाली की आती है सब जगह अच्छी आओ सब्जी। तो गाइस अभी मैं इस व्लॉग को करता हूँ समाप्त और मिलता हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम हर हर महादेव।